कम टू डी कुमार लाइफ साइंस क्लास। आई एम धीरेन्द्र कुमार। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एकेटिव का एग्जामिनेशन फॉर्म आ चुका है। अब उसको ऐसे कैसे आपको फिल करना है उस पर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, आप akatu.ac.in आप गूगल पे इंटर कर देंगे तो आपका ऐसे आइकॉन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए लिखा है akatu ERP, इसको आपने क्लिक किया तो देखिए आपका ओपन हो गया। यहाँ पर आपने अपना रोल नंबर डाल दिया, क्योंकि आपका यूनिक नंबर आपका रोल नंबर ही है। पासवर्ड आपका हिडन होता है, हर बच्चे का यूनिक होता है, तो उसको आपने यहाँ पे इंटर कर दिया। देन इंटर किया आई एम नॉट रोबोट, तो यहाँ पे देखेंगे आपका ब्लू टिक हो जाता है, विद इन फ्यू सेकंड लगता है। और दोस्तों जब आपका एग्जाम चल रहा है तो सबसे पहले आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखना रहता है कि आपका सर्कुलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। AKTU पे जा करके आप सर्कुलर पर डे और रेगुलर चेक करते रहेंगे जब तक आपका एग्ज़ाम ना होने पाए। तो एग्ज़ाम होने तक आपको क्या करना है, आप अपना सर्कुलर रेगुलर आपको चेक करते चले जाना। आई एम नॉट रोबोट, देखिए आपका ओपन अभी होने जा रहा है। यस, देखिए आई एम नॉट रोबोट क्लिक हो गया। अब हमने इसको लॉग इन कर दिया। अब देखिए आपका ये आपका आइकॉन ओपन होकर के कंप्लीट आ जाता है। ये ओपन होने में विद इन 1 or 2 या 10 से 20 सेकंड लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ERP ओपन होने पे। ये देखिए आपका डैशबोर्ड, स्टूडेंट डैशबोर्ड आपका पूरा कंप्लीट ओपन हो गया। देखिए स्टूडेंट डैशबोर्ड में आप देखें बहुत सारे आइकॉन है, लेकिन आज हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे, हम डिस्कस करेंगे एग्जाम डैशबोर्ड पे। अब आपने इसको क्लिक कर दिया, एग्जाम डैशबोर्ड आपने क्लिक किया, यस ओपन हो गया। और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही केयरफुली आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरिएगा। एग्जाम फॉर्म आपका गलत हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत में आ सकते हैं आप। तो ये देखा जाए, स्टार्टिंग डेट आपका 3/12/2022 से स्टार्ट हो चुका है, इन डेट आपका 10 है, लेकिन आपको वेट नहीं करना, उसके पहले ही क्या करना है आपको इसको फिल कर लेना। तो देखिए यहाँ पे लिखा एक्शन गो लेट फाइन, अभी देखिए यहाँ पे 0 शो हो रहा है, मतलब क्या है, अभी आपका लेट फाइन लग नहीं रहा है। तो आपने गो गए, तो गो पे आपने गए तो आप देखिए यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन आप अपना चेक कर लीजिएगा, सब आपका ओके है। तो यहाँ पे देखिए लिखा है इलेक्टिव सब्जेक्ट, तो सबसे पहले आप अपने डिपार्टमेंट में जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उनसे संपर्क कर लें कि सर हमारा इलेक्टिव सब्जेक्ट कौन कौन सा है, उसको आप बता दें। तो जैसे इलेक्टिव सब्जेक्ट है KBT 051, KBT 055 और आपका KNC 501। अब देखा यहाँ पे लिखा है ऐड सब्जेक्ट, तो आप सब्जेक्ट को ऐड कर देंगे, क्लियर। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे है कैरी ओवर सब्जेक्ट, दोस्तों यदि आपका कैरी ओवर किसी में है पहला सेमेस्टर या थर्ड सेमेस्टर में, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे हमने इसको क्लिक किया तो देखिए आपको यहाँ पे हमारा कोई कैरी ओवर शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है, हमारा कोई कैरी ओवर नहीं, यदि कैरी ओवर है तो आप यहाँ पे आकर के उसको टिक करके जो भी आप भरना चाहते हैं उसको आप यहाँ पे भर सकते हैं। अब यहाँ पे सब्जेक्ट मैच कर लीजिए, देखिए आपके पूरे सब्जेक्ट यहाँ पे आ गए हैं कि नहीं, देखिए 10 सब्जेक्ट पूरे हो गए हैं। सब्जेक्ट का कोड नेम पूरा मैच कर लीजिएगा और लास्ट में क्या करना है, सबमिट एग्जामिनेशन फॉर्म ओके कर देना है। अब आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आपका सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा, अभी देखिए यहाँ पे लिख आ जाएगा। ये विद इन 2 to 3 सेकंड आपको लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। देखिए अब आपका देखिए योर एग्जाम फॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, अब एग्जाम कोड देखिए यहाँ पे चेक कर लिया, देखिए यहाँ पे लिखा आ गया 7865 रुपीज, क्या करना आपको सबमिट करना, ओके कर दिया आपने। अब यहाँ पे गए गो टू डैशबोर्ड अगेन, देखिए आपको लॉग इन अगेन यहाँ पे करना पड़ेगा। हमारा रोल नंबर देखिए यूजर आईडी आपका हो गया, यहाँ पे हमने अगेन उसको क्लिक, पासवर्ड अपना एंटर कर दिया, आई एम नॉट रोबोट पे अगेन आप यहाँ इसको ओपन कर देंगे। फॉर्म भरने बाद से और एक बार चेक कर लीजिए कि आपका फॉर्म ओके भर गया है कि नहीं, देखिए आपका अगेन ओपन हो जाएगा डैशबोर्ड। डैशबोर्ड ओपन होने बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम पे आप गए यहाँ पे, देखिए अब आपका देखिए यहाँ पे कोड भर के आ गया है, पेमेंट का लिंक विद इन फ्यू डे के अंदर आ जाएगा, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे अपना उसको पेमेंट कर देंगे।
दोस्तों ये आपका टोटल एग्जामिनेशन फॉर्म पूरा कंप्लीट हो गया है। इसमें आप चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको हमारा नंबर मिल जाएगा और कोई भी आपको दिक्कत है तुरंत आप हमको संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।